हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारे पास है टोयोटा ग्लेंजा टॉप मॉडल यानी वी वेरिएंट आज हमारे पास है। तो आज हम इसी को देखेंगे क्या कुछ आपको मिल रहा है इसमें इंटीरियर में और क्या कुछ आपको एक्सटीरियर में मिल रहा है, कितनी माइलेज मिल रही है, क्या एक शोरूम प्राइस इसकी है और अंदर में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम की से स्टार्ट करते हैं कि की आपको कैसा दिया गया। तो की में आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए ऑप्शन आपको दिया गया और इस तरीके का आपको की देखने के लिए मिलता है। ये रेड कलर में गाड़ी जो है कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, फुल्ली रेड तो नहीं कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है रेड, मतलब डार्क रेड भी इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं तो क्रोम काफ़ी भर भर के इसमें आपको दिया गया, जिससे लुक जो है काफ़ी इन्हेंस हो रही है गाड़ी की और यहाँ पे टोयोटा का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्रोम की क्वालिटी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है क्रोम इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। और इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कैमरा दिए गए हैं। और नीचे में ये देखिए स्किड प्लेट एक अलग लुक आपको दे रही है और इसमें थोड़ा सा आपको डिज़ाइन भी देखने के लिए मिल जाता है, कार्बन फाइबर टाइप ये लग रही है देखने में। और यहाँ पे ग्रिल में भी थोड़ा सा डिज़ाइन अलग देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी के हेडलैम्प की बात करते हैं तो यहाँ पे हेडलैम्प जो आपको ऑफर किए गए हैं वो LED प्रोजेक्टर लाइट आपको दिए गए हैं, यहाँ पे DRL आपको मिल जाते हैं और ये सी टाइप में ये डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे फॉग लैंप आपको ऑफर किए गए हैं। इस गाड़ी के ओवरऑल लुक की बात करते हैं फ्रंट की, तो काफ़ी स्पोर्टी फील होती है और काफ़ी देखने में मतलब स्पोर्टी लगती है और कट्स वगैरह जो है ना उसकी वजह से काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर में बोनट पे कट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे रियर वाइपर आपको मिल जाते हैं। और साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम टायर को देखते हैं कि कितना साइज को आपको मिल रहा है। तो टायर जो आपको मिल रहा है वो 16 इंच का आपको देखने के लिए मिल जाता है और डायमंड कट एलॉय व्हील आपको दिए गए हैं, टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है और आगे का जो टायर आपको दिया गया वो डिस्क ब्रेक्स के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे इतनी स्पेस आपको देखने के मिल जाती है। इस गाड़ी की जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है वो 185 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इधर चलते हैं तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के लाइट आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश के साथ आपको दिए गए हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो पैसेंजर साइड का जो डोर है उसमें भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, उधर से भी आप अगर आते हैं और आपके पास रिमोट रहता है, बगल में कुछ सामान रहा है अगर आपके हाथ में तो आप इसे दबाते हैं तो आपका ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगा उधर साइड से भी। और यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाता है और ये पूरी क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। बैक प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो ऊपर में शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है और इधर डिफॉगर दिए गए हैं और यहाँ पे रियर वाइपर भी आपको ऑफर कर दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा इसमें है तो यहाँ पे कैमरा भी इंस्टॉल किया गया और क्रोम फिनिश पूरी आपको देखने के लिए मिल जाती है, ग्लेंजा भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और यहाँ पे टोयोटा का लोगो और इधर जो है वी की वेजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको ऑफर किए गए हैं। इसकी टेल लैंप की डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, पीछे से भी गाड़ी लुक में काफ़ी स्पोर्टी फील दिलाती है। आइए हम चेक करते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस आपको कितनी मिल रही है। इस गाड़ी की जो आपको बूट स्पेस मिल रही है वो 350 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। इसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी आपको बूट स्पेस मिल जाती है। गहराई जो है काफ़ी अच्छी खासी है इस गाड़ी की बूट स्पेस की। और नीचे में जो है कि आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको एक साइज कम देखने के लिए मिलता है, 15 इंच का आपको स्पेयर व्हील दिए गए हैं। इसमें आपको लाइट वगैरह भी आपको ऑफर किए गए हैं। इस गाड़ी में क्या है कि अगर आपका गाड़ी लॉक है और लॉक करने के बाद अगर आप ऑन करते हैं, एक बार अगर आप ये बटन दबाते हैं तो आपका बूट भी ओपन नहीं होगा। ये आप देखिए, बूट में ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। और ये पीछे वाला जो डोर है वो भी आप ओपन करने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ये आपका डोर ओपन हो जाएगा एक बार अगर आप क्लिक करते हैं अनलॉक का बटन, तो ये डोर ओपन होगा और वो डोर ओपन होगा। लेकिन अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तब जाकर जो है ये आपका डोर ओपन होगा और ये टेलगेट भी आपका ओपन हो पाएगा। ये देखो, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे बुद्धा टोयोटा में मैं जहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ का डिटेल है, कोई भी अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो इतनी जगह इनके ब्रांच है, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं गाड़ी की। तो चलिए हम चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं क्या कुछ आपको मिल रहा है इंटीरियर में। तो सबसे पहले तो डोर में देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिल रहा है। तो वार यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे ORBM के कंट्रोल देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ देखने के लिए मिल जाता है और ये क्रोम फिनिश के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे चलते हैं तो ये भी आपको पूरी सॉफ्ट टच के साथ देखने के लिए मिलता है। अरे यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर मिल जा रहा है और यहाँ पे स्पीकर
देखने के लिए मिलता है। इधर ट्विटर दिया गया है। अंदर बैठते हैं तो अंदर सबसे पहले कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक फिनिश के साथ आपको सीट मिल जा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये हाइट एडजस्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इधर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इंजन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और इधर जो है HUD आपको मिल जाता है। तो इसे इसका HUD जो है ओपन होगा शायद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। तो HUD पे मैं क्लिक किया, देखिए इसका HUD जो है बाहर आ गया। इसका HUD में जो है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि जैसे कि टाइम वगैरह और भी डिटेल आपको देखने के लिए मिलता है। अभी उसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो शायद शो हो जाएगा। और इसमें 360 डिग्री कैमरा है, तो यहाँ से आपको व्यू करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप दबाओगे तो यहाँ पे आप देखो ये पूरा आपको 360 डिग्री व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा की क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी है। अभी घूम घूम के जो है कि थोड़ा सा आपको इंस्टॉल हो रही है, अब जो है पूरा आपको गाड़ी का व्यू दिख गया। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ गाड़ी, इंजन इसका HUD अंदर चला गया। और यहाँ पे हाई बीम लो बीम करने के लिए ऑप्शन मिल जा रहा है। और स्टीयरिंग की कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जा रहे हैं। इतने कम प्राइस में ये फीचर्स जो है काफ़ी कम ही गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से इंफोटेनमेंट के कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर जो है फ़ोन रिसीव करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। ये जो डी कट स्टेयरिंग दिया गया है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, और एसी वेंट्स के लुक कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है। और इधर चलते हैं इंफोटेनमेंट को देखते हैं, तो इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा मिल गया है। और इधर देखिए ये ब्लैक पियानो फिनिश आपको मिल जाता है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है, और ये पूरी ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर आपको देखने के लिए मिलेगा इंटीरियर में। और ये ग्लोव बॉक्स इतनी बड़ी आपको मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ AC आपको दिया गया है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको दिया गया है। टू का फोल्डर आपको मिल जा रहा है, और इधर हैंड ब्रेक आपको दिए गए हैं, और इधर जो है सॉफ्ट टच के साथ आपको ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है आर्मरेस्ट। और यहाँ पे स्टोरेज भी आपको दिया गया है, ऊपर में जो है मिरर भी आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे हैंडल आपको मिल जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको किस लुक के साथ आपको मिल रही है। यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है राइट साइड में, और इधर जो है टेकोमीटर आपको मिल जा रहा है। बीच में एक छोटी सी MID आपको मिल रही है, जिसमें कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर आपको बता रहा है, और इधर जो है फ्यूल का इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलिए हम चलते हैं गाड़ी की रियर सीट की ओर, और रियर सीट को देखते हैं कि कैसा कम्फर्ट वगैरह आपको मिल रहा है और कितनी स्पेस वगैरह मिल रही है। तो सबसे पहले हम डोर में देखेंगे क्या कुछ आपको मिल रहा है। सेम आगे की डोर की तरह ही यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वगैरह मिल जा रहा है, और वाटर बॉटल होल्डर स्पीकर वगैरह आपको दिए गए हैं। कंफर्ट को देखा जाए तो इसका रिक्लाइनिंग जो है कि काफ़ी अच्छा है, तो ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है बैठने में। और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको ऑफर किए गए हैं इसमें, और इधर हैंडल आपको मिल जा रहा है। हाँ, बट इसमें थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो इतनी मुझे थाई सपोर्ट मिल रही है। बाकी आप लोगों को दिख ही रही है कि मुझे कितनी थाई सपोर्ट मिल रही है। और यहाँ पे लेग रूम जो है कि अच्छा खासा मुझे मिल जा रहा है, और यहाँ पे हेडरूम भी जो है कि अच्छा खासा हमारे पास है। तो लेगरूम और हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इधर चलते हैं तो यहाँ पे AC वेंट्स भी आपको मिल जा रहे हैं। गाइस, ग्लेंजा का इंटीरियर और एक्सटीरियर का व्यू। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी की। तो इसमें जो एयरबैग आपको मिल रहा है वो 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाता है। और सेफ्टी रेटिंग की बात करते हैं तो 4.5 स्टार इसको सेफ्टी रेटिंग मिली है। और इसकी माइलेज को देखा जाए तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 23 के आसपास कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन जो लोग इस गाड़ी को यूज कर रहे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मार्केट में कितनी आपको माइलेज मिल पा रही है, और हाईवे पे आपको कितनी माइलेज एक्चुअल में कितनी मिल पा रही है। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस जो आपको पड़ रही है वो 9,73,000 के आसपास पड़ती है। अगर आप पटना से हैं तो बुद्धा टोयोटा आप आके परचेज कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन वगैरह और नंबर वगैरह आपको जो है कि डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं कॉल करके। आपको गाड़ी कैसी लगी, कौन सा फीचर इस गाड़ी में आपको अच्छा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।